तो एम 87 का कट्टा की पुशिंग में आपका वेलकम है। एंड आज की पुशिंग इन सब्सक्राइबर भाई के कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे जो कि हयाटो मीशा मोको प्लस बुकोंग है। एंड भाई मैचेस आज बड़े इंटेंस जाएंगे, जहां बुइया प्लस एक एक किल के लेना भाई बड़ी मुश्किल आती है, बट कहीं ना कहीं उसी में भाई बंदों के साथ क्या ही मजेदार वन ऑन वन फाइट होती है। एंड बुकोंग के साथ रश क्या ही मजा आता है, और कभी कभार तो बंदों को क्या ही बनी नचवाता है, तो मजा आएगा। बाकी इंडिया के लिए पुश करना है तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जो मैच भी स्टार्ट कर लेते हैं। भाई फर्स्ट मैच में ही ना केप टाउन में ब्लू जोन बना था और कट्टा ढूंढ ही रहा था भाई सेल लग जाती है वेंडिंग मशीन में, बट उससे पहले मेरी किस्मत भाई इसी घर में जो है दो गोली वाली शॉटगन मिल जाती है, तो फटाफट से वो अपनी पूरी लूट करके बंदों को ढूंढने चलते हैं। अब पीक में आते ना भाई यहाँ पे वो लगी थी और यहाँ पे डेथ बॉक्स भी था, तो उसे लूट ही रहा था भाई, आगे से मेरे को एक डैमेज पड़ता है, तो मैं भी भाई इसके आगे ना वो लगा के ना इस तरफ आ जाता हूँ, और जब ये ना लेफ्ट साइड से आ रहा था ना मैं वुकोंग तो बन जाता हूँ, बट भाई ये भी बंदा बन जाता है, और वुकोंग में भाई एम लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं राइट साइड से सीधा निकलता हूँ और ये सामने होता है, देखो दो शॉट तो मारे, लेकिन भाई ये बंदा ना बिना डरे मेरे पे रश ही करने लग जाता है, और मेरे को ये यहाँ पे दिखता है मोको की वजह से, और फिर से निकलता तो देखो इस बार डैमेज दिया बढ़िया, लेकिन यार मेरी ना एचपी कम है तो पूरी हेल्थ करनी पड़ेगी पहले, और अपना जोन भी आ रहा था इसलिए ना पीछे की तरफ भाग रहा था, तो मैं सीधा इसकी तरफ बढ़ता हूँ और ये मेरे को यहाँ पे तो दिखता है, और भाई इसका मार्क आ रहा था, मैं सीधा यहाँ से निकलता हूँ, और देखो दो शॉट तो मारे, और ये पता नहीं भाई अपने आप सोनी और खत्म हो जाता है, और इसी के साथ भाई पहला किल हो जाता है। अब भाई गाड़ी से मैं जोन में तो आ गया था, और भाई सामने एक बंदा था जो मेरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई ये जाते जाते देखो इसको कितनी दूर उड़ा देता हूँ भाई, और इसको मारने जा ही रहा था यार, कोई बंदा किल चुरा लेता है, और जब गाड़ी को मारता हूँ ना वो किल चुरा हुआ बंदा भी सामने दिखता है, और इसको तो भाई उड़ा ही देता हूँ, और देखो तो वो शॉट में ही नॉक भी हो जाता है। तो चलो इसे फटाफट से फिनिश करके जोन की तरफ बढ़ते हैं, और भाई आगे चल के ना मेरी एक लड़की ना गाड़ी फोड़ देती है, और सबसे मजेदार बात भाई उस पे भी M1887 थी, तो भाई यहाँ वो लगा के सीधा यहाँ से निकलता हूँ, सामने दिखते हैं देखो दो शॉट तो मारे, लेकिन फिर से जा ही रहा था भाई, ये जो है ओरियन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन तुम्हारा भाई भी चला गया वो लगाता है, उसकी स्किल ब्लॉक करके फिर से जाता है, और देखो यहाँ यार एक तो बिल्कुल ही घटिया डैमेज गया इस बार, तो वहां से भी इसको कोई डैमेज कर रहा था ना तो यहाँ पे ये पैक कर लेती है, तो मैं जैसे ही इस तरफ आता हूँ ना ये भी बॉल खोल के निकलती है, और सामने दिखती है दो शॉट तो मारे, और फटाफट से बॉल लगाता है, और फिर से जाता भाई यहाँ पे भी एक शॉट मारा है, तो मोको को मार आ रहा था ये पसीने जा ही रही थी, लेकिन एक शॉट से नॉक हो जाती है, और फटाफट से पहले फिनिश कर दे, और आखिरी के दो बंदे रह गए, और मेरे लिए ना ये बढ़िया बात है दोनों के दोनों बंदे ना सामने ही है, जो क्लोज में बंदा था ना मैं उसकी तरफ ना वुकोंग के साथ पढ़ता हूँ, लेकिन ये भाई बॉल भी लगा लेता फटाफट, और जैसे ही यहाँ से निकलता देखो दो शॉट में खत्म, भाई पीछे वाले बंदे ने जरूर डैमेज दिया होगा, लेकिन इसको मार के भाई वो बंदा रश भी कर देता है, और वो मुझे भाई यहाँ दिखता है जिसने मेरे को MP40 से बड़ा तगड़ा डैमेज दे दिया था, मैं ना वो लगा लगा के ना थोड़ा मेडी करने के लिए दूर जा रहा था, लेकिन भाई इस बंदे को चैन नहीं है, तात्सुया के साथ जो है रश पे रश करे जा रहे हैं, तो इस बार तुम्हारा भाई भी सीधा ही रश करता है, और ये भाई सामने तो दिखता है, और देखो यार डैमेज बड़ा बेकार गया है, बट फिर भी मैं इसकी तरफ सीधा निकलता हूँ, और यहाँ पे देखो एक दो शॉट मारे हैं, तो वो लगा के सीधा यहाँ से निकलता हूँ, और ये भाई सामने था मोको को मार आ रहा था, और जैसे ही निकलता है ये देखो क्या ही तगड़े वाला है, लेकिन बॉडी से गिला जाता है, और इसी के साथ भाई पुया हो जाता है, और पहले मैच में भाई फुल प्लस मिल जाती है। अब सेकंड मैच में नया सेंटोसा में जोन बना था, लेकिन मेरे से पहले एक बंदा ना जिप लाइन यूज करके चला जाता है, और जब तक वो टोकन बॉक्स लूटने जा रहा था ना मैं किसी तरह भाई यहाँ तो आ जाता हूँ, लेकिन आगे चल के यार मेरे को MP40 तो मिलती है, लेकिन पीछे जैसे देखता हूँ वो आ जाता है, और भाई बड़ा गंदा हेड भी मार देता है, तो दोबारा भाई हम रिवाइव तो होते हैं, और आगे चल के भाई बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते जो है M1887 मिल जाती है, फटाफट से भाई मैं किसी तरह जोन में भी आ जाता हूँ, बट आगे जा ही रहा था भाई एक बंदे का पीछे से मांग आ रहा था, और भाई ये ना टावर में होता है, और भाई बड़ी मुश्किल से जोन में पूरी लूट भी करी थी, तो सीधा इसकी तरफ बढ़ता, और वुकोंग का ये सही है सोचना नहीं पड़ता रश में, और भाई ये सामने दिखते है देखो तगड़े वाला है, इसको पता भी नहीं चलता, लेकिन मेरे को पता चल गया तू बहुत बड़ा नूब है, अब ये हरे घास के साथ रश करने लग गया, और दोबारा फटाफट से जोन में आ जाता हूं, एक बंदा मुझे सामने दिखता है, लेकिन भाई यहां से गाड़ी तो जा नहीं पाती, और इसको कोशिश कर रहा था मारने की भाई ये पता नहीं कहां जा रहा है, और पीछे से एक बंदा आ जाता है, और अब तो भाई डराने के लिए यही वुकोंग बन के आ जाता है, और भाई इस पे एम लगता नहीं, लेकिन मैं वुकोंग बनता हूं तो इसका एम भाई बड़ी जल्दी लग जाता है, और भाई जैसे इस साइड से आता हूं ना एक बंदा मुझे सामने भी दिखता है, और उसको भाई सोनिया दिमित्री तो बना देता हूं, लेकिन भाई अब आगे मुझे भी बढ़ना पड़ेगा, और भाई वो बुश वाला बंदा मुझे सामने दिखता है, और भाई ये MP40 से बड़ा गंदा डैमेज कर रहा है, और यहां पे भाई मेडी लगा ही रहा था ये सामने आ रहा था, और यही नहीं भाई ये गाड़ी भी आ जाती है, ये कम था क्या मेरी हेल्थ भाई बड़ी कम, और ये गाड़ी वाला बंदा ना सामने दिखता है, तो मैं किसी तरह भाई इसी के साथ बैठ जाता हूँ, अबे चला ले यार वो हेड ना मार दे कहीं, और भाई मैं किसी तरह ना बच गया और टॉप 6 में आ गया था, और सामने ना दो बंदों की फाइट भी हो रही थी, और भाई तुम्हारा भाई थर्ड पार्टी में एक्सपर्ट इस बंदे को दो गोली शॉट भी मारता है, और यहाँ पे भी मारा है, लेकिन भाई पता नहीं मरने का नाम नहीं लेता, लेकिन हाँ इसको नॉक तो कर दे, तो पीछे से मार कर और इसको भाई पहले खत्म कर लेते हैं, लेकिन इसको खत्म करते भाई एक और बंदा आ जाता है, और भाई वो सामने दिखता है, और देखो इसको दो शॉट तो मारे, और वो कौन बन जाता है, और भाई ये देखो क्या ही तगड़े वाला है, दोबारा गाड़ी में बैठने आ ही रहा था भाई एक बंदा गाड़ी फोड़ देता है, और वो मुझे सामने दिखता है, लेकिन मैं वो कौन बन जाता हूँ, और भाई अब देखना, तो ये ना वो लगा लगा के बच रहा था
था लेकिन इसमें भी दो गोली वाली शॉटगन थी, तो भाई ये मेरे पे ना एम नहीं लगा पा रहा था। और ये देखो मेरे को मारते मारते खुद ही मर गया, और अब बस आखिरी का ही बंदा रह गया। और मेरे पे ना स्किल ब्लॉक वाला करेक्टर भी था, तो वो भी इस पे जो छोड़ देता हूँ भाई, वो लगा के ना सीधा इसकी तरफ रश करता हूँ। मुको का मां आ रहा था निकलते ही, भाई देखो क्या ही भाई तगड़े वाला हेड लग जाता है। और इसी के साथ भूया तो होता ही है, साथ ही में भाई M1887 पूरी प्लस भी। लेकिन यार नेक्स्ट मैच बुरा होता है, जहाँ पे मैं टॉप 10 में तो आ गया था लेकिन M1887 से एक भी किल नहीं हुआ था। बंदे थोड़े से रह गए थे, सामने से एक बंदा आ रहा था जिसे मैंने थोड़ा डैमेज तो दिया था, और भाई उस पे ना सीधा मैं बढ़ता भी वुकोंग के साथ। और ये बंदा भाई जैसे निकलता है थोड़ा यहाँ वेट कर रहा था, यहाँ पे दो शॉट तो मारे लेकिन इतने में यार पीछे से कोई बंदा थर्ड पार्टी कर देता है, और इतनी एंड में आके भी भाई ये मैच वेस्ट चला जाता है। दो गोली वाली शॉटगन से ना इतनी ज्यादा तगड़ी तगड़ी गन है ना मैं बता नहीं सकता। सामने एक बंदा था जिसने भाई ट्रोगोन के एक स्प्रे में मारा था, इसे सोनिया तो बनाता हूँ लेकिन ये करेक्टर भी कम थोड़ी है। लेकिन वापिस यहीं पे कूदता हूँ क्योंकि भाई M1887 मेरी यहीं पे तो है। अब लूट पूरी करके ना गाड़ी से जोन की तरफ बढ़ता हूँ, और बड़ी मुश्किल से जाके आगे चल के एक बंदा तो दिखता है जिसे मैंने डैमेज तो दिया था, लेकिन भाई उसी समय जो है भाई थर्ड पार्टी होनी स्टार्ट हो जाती है। नुबड़े तू भी तो बड़ी थर्ड पार्टी करता ना, अब तू भी तो स्वाग चकले। और जोन के अंदर भी होता हूँ इसलिए यार बिना फाइट किए ना यहाँ से निकलना ही पड़ता है। और अब जोन में आ ही रहा था लेकिन मेरी क्या गलती यार, जो भी मुझे बंदे दिखते आपस में दिखते और मेरे को थर्ड पार्टी करनी पड़ती है। और यहाँ पे आते ही भाई ढेर सारी बॉल लगी हुई थी, और गाड़ी घुमा के फोड़ के भाई चेक कर ही रहा था, मेरे को ना सामने की तरफ बंदे की आवाज भी आने लग जाती है, और भाई वो नहीं यहीं पे होता है। वुकोंग तो बना था लेकिन इंस्टेंट फोड़ देता है, और भाई मुझे तगड़े वाला डैमेज भी कर देता है, इसलिए यार मेरे को यहाँ पे ना पैक ही करना पड़ता है। जोन भाई आने वाला था, फटाफट से ना अपनी बॉल फोड़ता हूँ, और भाई ये देखो यहीं पे था लेकिन दो शॉट तो मारे हैं। और अब भाई मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ, और ये देखो दो शॉट मारे, और अब कहाँ भाग रहा था भाई, ले तू पूरा ही मार। अब भाई बड़ी इंटेंस सिचुएशन बन रखी है, तीन बंदे बचे और किसी की भी पोजीशन नहीं पता। लेकिन यहाँ पे होल्ड ही कर रहा था एक बंदा, भाई सामने से आ रहा था और इसे तो पता नहीं होता तो बॉडी बॉडी मार के इसको नॉक कर देता हूँ। और ऊपर भी भाई एक बंदा था जो अपना सेंटिनो कैरेक्टर गिरा रहा था नीचे। नुबड़े तू आगे तो बढ़, अभी तुझे भी लोबी की तरफ गिराएंगे। तो मैं भी भाई सीधा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और एक बंदा देखो कैसे यहाँ छुपा पड़ा था, तो इसको डैमेज तो दिया है। तो यहाँ से भाई सीधा घूरता हूँ और देखो लास्ट की गोली हेड लगती है और ये नॉक हो जाता है, और भाई इसको खत्म कर ही रहा था एक और बंदा आ जाता है, लेकिन मैं पहले से ही खत्म करता हूँ। और देखता हूँ भाई ये भी किल मेरे पास नहीं आता, और मेरी हेल्थ देखो भाई डैमेज इस बंदे ने ना बड़ा गंदे वाला किया था, इसलिए नहीं पास में भी आ जाता है। और वुकोंग तो बना था लेकिन खोल देता है, और भाई फिर से आ जा रहा था, यहाँ पे मुझे पैक ही करना पड़ता है। और भाई इस बंदे को सबरने की थोड़ा रुक जाए, मेरे पे नेट तो फेंकता है और वो भी इतना एक्यूरेट। और भाई नेट पे नेट फेंक ही जा रहा था, मैं किसी तरह यहाँ से निकलता हूँ, और ये सामने दिखता है छोटा मोटा सा ही डैमेज गया। और अब जोन भी आ रहा था ना इसलिए थोड़ा आगे की तरफ ही जा रहा था, पहले तो ये पैक की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी किसी तरह निकलता हूँ और भाई ये सामने था, और मैंने यहाँ डैमेज तो दिया लेकिन अब भाई मेरी वेस्ट भी फोड़ दी। यहाँ पे भाई मुझे ना थोड़ा मेडी लगाने का टाइम मिल जाता है, और ये सामने होता है तो मैं नेट तो फेंकता हूँ, और ये इस साइड से आता है लेकिन वॉल लगा लेता है। भाई मेरे पे ना सीधा रश भी करता है लेकिन मैं किसी तरह देखो यहाँ एक दो शॉट तो मार रहा हूँ लेकिन डैमेज गया कहाँ होगा। और यहाँ पे हुमर भी छोड़ा था लेकिन यहाँ से कवर ले रहा था, और भाई इसके निकलते एक शॉट में सोनिया बन जाता है, और ये देखो खत्म भी भाई क्या ही भैया हो जाता है। बाप रे बाप भाई, मैं एकदम ना इमोट खुल के दिखाता हूँ कि तू मारेगा मुझे, आ जा। जब आगे देखता हूँ तो भाई मेरी पता नहीं बस फुल प्लस भी हो जाती है। और नेक्स्ट गेम यार फिर पनौती वाला आ गया था, जहाँ पे मैं टॉप 20 में तो आ गया था लेकिन दो गोली वाली शॉटगन नहीं मिलती। लेकिन आगे चल के मैं जैसी भीम शक्ति में आता हूँ ना, एक बंदा मुझे ऊपर की तरफ दिखता है जिससे भाई मैं फार्मर से स्कोपिंग स्कोप आउट करके मार देता हूँ, और इसकी लूट लूट के जा ही रहा था एक और बंदा ना पास में आ जाता है, और भाई इस पे थी भाई दो गोली वाली शॉटगन, तो भाई मैं पूरा अलर्ट हो गया था। और यहाँ से जैसे जाता ना इसको ट्रोगोन के दो स्प्रे तो मारे थे, और भाई रिलोड आते इसको कैसे भी करके बस मार देता हूँ, और रिवॉर्ड के तौर पे भाई दो गोली वाली शॉटगन मिल जाती है। वापस मैं किसी तरह गाड़ी से जोन में तो आ गया था, और सामने भाई दो बंदे आपस में लड़ रहे थे, और यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है जिसको मैंने दो शॉट तो मारे, इसका भाई मुको का मार्क भी आ रहा था, तो सीधा जाता हूँ और भाई यहाँ पे दो शॉट मारते ही सोनिया बन जाता है, और भाई किसी तरह खत्म कर देता हूँ। अंदर ही अंदर खुश हो ही रहा था यार, एक और बंदा देखो छी यार, लाल टी शर्ट वाले भैया क्या ही मूड कर दी आ मेरी जान। और यार एक ही किल किया था तो 32 की प्लस होती है। बट नेक्स्ट गेम में भाई सेंटोसा में ब्लू जोन बना था, और इस मैच में डिस्काउंट वाला मिशन आया था तो वेंडिंग मशीन से कट्टा ले लेता हूँ। लेकिन पता नहीं यार आज तो गरीना मेहरबान है, किस्मत बढ़िया, जो भी बंदा मेरे को दिखता है ना आपस में भिड़ता हुआ ही दिखता है। तो इस तरफ आते भाई एक बंदा तो दिखता है जिसे मैंने दो शॉट तो मारे थे, और एक और बंदा भाई पीछे ही था और वो यहीं पे था, और यहाँ से जैसे निकलता हूँ इसको तो भाई हेड से ही खत्म कर देता हूँ। लग रहा है नुबड़े सुधरेगा नहीं, तू भी लग रहा है थर्ड पार्टी मांग रहा है। अब एक और बंदा था वहाँ पे लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गया था, इसलिए पहले मैं गाड़ी से भाई जोन की तरफ भागता हूँ। कट्टा को लेने में भाई इतना जोन में रह जाता हूँ ना, बड़ी मुश्किल से भाई बस बच बचाते आता हूँ। अब यहाँ आते ना भाई एक बंदा मुझे टावर के अंदर दिखता है, यहाँ पे जाते भाई एकदम से ना दो दो बंदे निकलते हैं, जिसमें से एक बंदे को तो बस भाई किसी तरह मार दिया, और पहले भाई थोड़ा पीछे आता हूँ, और इन्होंने ना भाई टीमिंग कर रखी थी इसलिए दूसरा बंदा भी एकदम से निकलता है, इसको भी दो शॉट मारे हैं। और अब इसके क्लोज में जा ही रहा था भाई ये जो है पैक ही कर लेता है। और तुम्हारे भाई को भाई थर्ड पार्टी के अलावा और भी बहुत कुछ आता है। हाँ, हगना आता है बंदों से
मर मर कर। और इसमें से भाई एक नेड है, तो भाई इतना परफेक्ट नेड मारता हूँ ना, ये बंदा उसी से खत्म हो जाता है। और भाई इसका थर्ड पार्टी का भूत निकाल दिया था, अरे मैं वापिस ना जोन में आ जाता हूँ। और भाई गाड़ी चला रहा था, एक लड़की ना सामने दिखती है, जिसे ठूका तो था बट पता नहीं उड़ी नहीं, बट फिर भी भाई मैं इसको मारने के लिए यहाँ उतरता था, लेकिन यार ये पैक ही कर लेती है। और भाई वुकोंग से जैसे हटता हूँ मेरे को ना एक बंदा डैमेज देता है, और भाई उधर से भी डैमेज दे रहा था, मेरे साथ ही थर्ड पार्टी हो जाती है। मैं वापस भाई गाड़ी में बैठ के ना इस तरफ आ जाता हूँ, और इस तरफ आते भाई एक और बंदा मुझे सामने की तरफ दिखता है, जिसे भाई मैं मार तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं उड़ने का नाम ही नहीं ले रहे बंदे, शायद पिंग इशू की वजह से। और यहाँ से जा ही रहा था भाई एक बंदा मेरी गाड़ी फोड़ देता है, मैं किसी तरह ना वापस इस साइड आ जाता हूँ। वो सामने वाले बंदे को भाई थोड़ा डैमेज तो दिया था बढ़िया वाला, तो सीधा इसकी तरफ बढ़ता हूँ। और ये जोन में था तो इसका यहाँ पे वेट ही करने लग गया था, और ये जैसे ही निकलता है भाई देखो एक शॉट तो मारा है, और यहाँ से जैसे ही निकलता है दो शॉट में भाई नॉक भी हो जाता है, और इसे जो है भाई फटाफट से फिनिश भी कर लेता हूँ। लेकिन एक गाड़ी वाला बंदा आ जाता है, और इसको भाई मारने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन भाई इसी की गाड़ी में बैठ जाता हूँ। और ये देखो भाई अबे कौन कौन आया जा रहा है भाई, और मैं किसी तरह भाई पहले यहाँ से भागता हूँ, और नीचे की साइड आ गया था भाई। यहाँ पे भाई मेरी तरह ना और भी बंदे जो अब गाड़ी चला रहे हैं, और यहाँ से मैं जैसे जाता हूँ ना एक बंदा मुझे सामने दिखता है, और इसको पता नहीं कौन सूनिया बना देता है, मैं ठोकता तो हूँ लेकिन यार किल नहीं आता मेरे पे। यहाँ पे ना भाई लूट ट्रेक थी, मेरे पे ना लूट नहीं थी तो उतरता तो हूँ, और सामने की तरफ एक बंदा भी दिखता है जिसको भाई मैं ना थोड़ा कूद के जो है थोड़ा डैमेज दे रहा था। गाड़ी में बैठने जा ही रहा था भाई एक बंदा मुझे उड़ाई देता है, और भाई वहां से भी डैमेज पड़ रहा है। और मैं आगे अपनी गाड़ी लेने जा रहा था, पता नहीं भाई एकदम से कोई और ही ले जाता है, पीछे भी यार एक बंदा आ गया, और मेरी हेल्थ देखो यार गलत फंस गया अंदर। यहाँ पे भाई मेडी लगा ही रहा था, एक मोस्टर ट्रक वाला आ जाता है, भाई बॉल फोड़ देता है, तो मैं ना किसी तरह भाई इसके पास जा रहा था कि इसके पास मेरे को बैठने को मिल जाए, और भाई इसके पास बैठ तो जाता हूँ लेकिन अब ये अटक जाता है यहाँ। सामने से एक बंदा डैमेज करे जा रहा है भाई, हेड ना लग जाए इसलिए मैं तो उतरता ही हूँ, और अब किसी तरह इधर तो आ जाता हूँ, लेकिन जिसने मेरी गाड़ी ली थी ना वो भाई मेरे को ही डरा रहा था। भाई लास्ट के ना तीन बंदे रह गए थे, और सारे के सारे भाई सामने थे, तो मैं ना भाई आगे की तरफ आ जाता हूँ, बहुत देर तक ना यही पे होल्ड करता हूँ। होल्ड करने आया लूटने आ गया फिर से। अबे पनौती तो चुप रहे, और आखिरी के दो बंदे रह गए, और थोड़ा यहाँ पे रुकते ही उन दोनों में आपस में फाइट भी होने लग जाती है, और एक बंदा नोक भी था लेकिन पहले इसको मारता, ये नोक वाला भी यार मर जाता है, लेकिन इस वाले बंदे को भाई एंड में किसी तरह मार के ये मैच भाई कैसा सा था, लेकिन वो ये अपना ही होता है। साथ ही में भाई एमिटी डीडी सेंट में पूरी प्लस भी, बाकी भाई पता नहीं बर्म्यूडा में ज्यादातर ब्लू जोन जो है सेंटोसा में बनता है, और यहाँ किस्मत अच्छी रहती है, ढूंढने पे ना दो गोली वाली शॉटगन मिल भी जाती है, बट यार जब कट्टा जल्दी मिल जाती है तो बंदे नहीं मिलते, लेकिन आगे चल के एक बाइक वाला बंदा जरूर मिल जाता है। और भाई सीधा उतरता हूँ, इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ, और ये जैसे ही निकलता भाई ये भी वुकोंग ही बन रखा था, लेकिन मैंने सोचा गाड़ी में बैठूंगा और इसको ठोक कर जो है किल करूंगा, लेकिन ये बंदा भी चला भाई मेरी गाड़ी में बैठ जाता है, और सामने भी एक बंदा आ जाता है, जो गाड़ी में महाराज बैठे थे भाई उनकी तरफ जैसे ही जाता हूँ ना वो तो मर ही जाता है, और एक और बंदा भाई पीछे से आ जाता है। अब कट्टा चलानी नहीं आती लेकिन लॉन्ग रेंज में फुल कॉन्फिडेंस रहता है, देखो निकलते वही तगड़े वाला हेड और इससे खत्म भी कर देता हूँ। लेकिन अब सामने जैसे ही देखता हूँ भाई एक बंदा वन टैप के मूड में लग रहा है, और यार मैडी लगा ही रहा था ये बोल के आर पर मारने वाला करेक्टर लगा देता, तो मैं किसी तरह भाई पहले पीछे आता हूँ, मैडी मार के यहाँ पे जैसे आता हूँ ना ये भाई जोन भी आ रहा था तो आगे की तरफ जा रहा था, जैसे बताया लॉन्ग रेंज में थोड़ा अच्छा खेल लेता हूँ तो भाई इसको डैमेज दे दिया था तगड़े वाला। बट चैलेंज शॉटगन से तो शॉट में जाता हूँ, और निकलते ही देखो भाई दो शॉट तो मारे हैं, और ये ना बॉल के पीछे ही था लेकिन यहाँ पे ना नेट फेंक के ना एकदम सीधा नीचे जाता हूँ, और ये फिर से दिखता है, और देखो दो शॉट में खत्म हो जाता है। और अब फटाफट पहले भाई जोन में जाता हूँ, सब्सक्राइबर भाई ने भाई मीशा का भी तो कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो यहाँ से गाड़ी भी ले लेता हूँ। और भाई आगे जा ही रहा था एक ना बॉल दिखती है, और यहाँ पे एक बंदा भी दिखता है जो वुकोंग बन जाता है, लेकिन भाई इसको जो है जीप से ही उड़ा देता हूँ, और ये देखो कितनी दूर जाके गिरता है। मैं भी भाई फटाफट से जाता हूँ, और सामने तो दिखता है भाई, पहले तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, और एक ही शॉट भाई इनफ रहता है इसको मारने के लिए। नोबड़े कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो तेरे को ऐसे गाड़ी से ठोक ठोक के मारे तो मजा ही आ जाए। और गाड़ी से भाई जोन में तो आते तो एक बंदा ना एल शेप पे भी दिखता है, जो पता नहीं भाई ट्यूब से कैसी हरकतें कर रहा था, एल शेप में वापिस जा रही थी तो मैं भी जाता हूँ, और भाई सामने देखता हूँ दो बंदे आपस में भाई एक को मार देता हूँ, और इसको भी भाई सोनिया। और देखो भाई आज तक किस्मत ही बढ़िया, जब भी बंदे दिखते हैं थर्ड पार्टी का तो ये दिखते हैं। और अब आखिरी का बंदा रह गया था जिसे मैं ढूंढ रहा था, और भाई वो मुझे सामने भी दिखता है, लेकिन भाई आते ही जो है ओरियन बन जाता है, दिमाग लगा रहा भाई बंदा। और वापस जाता हूँ तो भाई अब भी बच जाता है, मैं सीधा ही उतरता हूँ भाई गन से मारने के लिए, लेकिन भाई अभी ये ना थोड़ा मेरे को डैमेज कर देता है, लेकिन वुकोंग कब काम आएगा, तो वुकोंग के साथ ना इसके पास बढ़ रहा था, लेकिन ये बंदा भाई बिल्कुल डर के मूड में नहीं है, यहाँ पे यार पूरी गन भी रिकॉइल हो जाती है, लेकिन मैं सीधा वापस जाता हूँ, और यहाँ पे देखो एक शॉट मारा है बड़ा बेकार था, और यहाँ पे भी देखो एक शॉट मारा है, इसका मार्क भी आ रहा था डैमेज किया था, तो इसकी तरफ बढ़ता हूँ, और देखो यहाँ पे भी एक शॉट मारा है, और फिर से भाई इसकी तरफ सीधा यहाँ से बढ़ता हूँ, बट मार्क आ रहा था तो राइट साइड से निकलता है, और यहाँ पे देखो भाई क्या ही गंदे वाला डैमेज दिया था, लेकिन मेरा भी किसी तरह हेड लग गया था, और भाई भुया हो जाता है, बढ़िया बंदा था ये। तो इसी के साथ भुया तो होता ही है, साथ ही में भाई पूरी प्लस भी, तो ऐसी पुश करते करते गाइस डे 10 में जो हम अपने स्टेट में 14 नंबर पे आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यार मजा आया, वुकोंग ठीक ही था। और अगर आप भी करेक्टर कॉम्बिनेशन बताना चाहते हो तो कमेंट में बिंदास लिख देना, भाई पुशिंग में हेल्प कर दे। बाकी कल के एपिसोड में भाई तात्सुया का क्या ही कॉम्बिनेशन बताया था।
सब्सक्राइबर ने और इंटेंस मैच तो बहुत गए थे, तो भाई वीडियो सामने आ रही होगी तो देखना मत भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बाय बाय गाइस एंड सब्सक्राइब करते जाना।